हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का किंग टेक्नोलॉजी साइल चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त ट्रिक, जिसके अंदर मैंने बताया है कि आप कंप्यूटर को कुछ ऐसे प्रोफेशनल तरीके बताए मैंने जिससे आप शट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही आपका अगर कोई भी दोस्त देखे तो उसको भी लगे यार बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है ये तो। इस तरीके से मैं ऐसे 4 स्टेप मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं। मैं बहुत ही शुरू में बहुत ही नॉर्मल स्टेप आपको बताऊंगा, लेकिन लास्ट में जो मैं स्टेप बताऊंगा बहुत ही प्रोफेशनल स्टेप है। तो एक बार आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली हम स्टार्ट पर जाते हैं और पावर बटन पर जाकर क्लिक करके यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं। तो ये तो सभी को पता है, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। नंबर जो सेकेंड है वो है Alt+F4, ये भी बहुत ही नॉर्मल है। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि Alt+F4 से आप यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप रीस्टार्ट वगैरह जो भी सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते ही ये शट डाउन हो जाएगा। अब जो नंबर 3 है ये है Ctrl+Alt+Delete। जैसे हम ये प्रेस करेंगे आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर पावर पर क्लिक करके यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप शट डाउन कर सकते हैं। तो ये भी कुछ ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है। चलिए मैं अब बताने वाला हूँ आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीका कंप्यूटर को शट डाउन करने का। नंबर 4 पर है, आपको कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन बन जाएगा शट डाउन करने के लिए। जैसे ये आप इस पर क्लिक करेंगे एक स्लाइड ओपन हो जाएगी, आप उसे नीचे ड्रैग करते हैं आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए स्लाइड आ गई है। इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये शट डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, अगर आपको ये एप्लीकेशन बनानी है तो चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब आपको इसे कैसे बनानी है तो इसके बारे में अभी बताता हूँ। आपको करना है सिंपली राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू पर आना है और फिर आपको यहाँ पर शॉर्टकट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप ब्राउजर में जाकर और भी बहुत सारे एप्लीकेशन के शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन आपको अभी बनाना है शट डाउन करने के लिए एप्लीकेशन। तो उसको मैं जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट करते ही कुछ ऐसा ओपन होगा, आपको यहाँ पर फिनिश कर देना है। यहाँ पर शॉर्टकट का नाम अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं फिनिश कर देता हूँ और ये देखिए एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो गई है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे स्लाइड ओपन हो जाएगी, स्लाइड को नीचे की तरफ ड्रैग करते ही कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाएगा। तो चलिए नंबर 5 पर आता है, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है लैपटॉप के लिए। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बैटरी पर क्लिक कर लेना है और फिर बैटरी सेटिंग्स पर जाना है। बैटरी सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है पावर एंड स्लीप। फिर आपको यहाँ पर आएगा ऑप्शन रिलेटेड सेटिंग्स के अंदर एडिशनल पावर सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और ये देखिए इस तरीके का आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको नीचे जैसे आप लैपटॉप को नीचे रखेंगे ये अपने आप ही शट डाउन हो जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर डोंट नथिंग ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर शट डाउन सेलेक्ट कर लेना है ऑन बैटरी और चार्जिंग दोनों के अंदर। और यहाँ से आप पावर बटन और स्लीप बटन के अंदर भी जो आप चाहें वो सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको शट डाउन जो है मैंने पहले से कर रखा है, तो आप यहाँ से शट डाउन सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पर सेव चेंज पर क्लिक कर देना है और फिर आप जैसे आप लैपटॉप को नीचे की तरफ रखेंगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी है तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक रोज पाने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।